हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। सो आज का हमारा स्टैटिक जीके का सेशन डे 19, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है, नागालैंड की जो राजधानी है, उसका क्या नाम है? और ऑप्शंस है हमारे पास, शिलोंग, एजावल, कोहिमा या गंगटोक। और इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कोहिमा जो है वो नागालैंड की कैपिटल है। कैपिटल नागालैंड की जो है वो कोहिमा है। और साथ ही हम लोग ये भी जान लेते हैं कि नागालैंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है। उनका नाम है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड। और इसकी जो सीएम है इस टाइम पे, उनका नाम है नेफ्यू रियो इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। तो अगला, इसी के साथ हमारे पास ऑप्शंस गिवन है शिलोंग, एजावल और गंगटोक। शिलोंग के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक। गवर्नर जो हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक। अदरवाइज ये मेघालय की कैपिटल है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। गवर्नर है सत्यपाल मलिक मेघालय के। और सीएम जो है उनका नाम है कॉनराड संगमा। इसी तरह से एजावल जो है वो मिजोरम की कैपिटल है एजावल। इसके जो गवर्नर है उनका नाम है कंभमपति हरिबाबू। ठीक है। और इसके जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है जोरम थंगा। इसी के साथ एक और ऑप्शन हमें गिवन है दैट इज गंगटोक। तो गंगटोक जो है वो सिक्किम की कैपिटल है। सो इसके जो गवर्नर है उनका नाम है गंगा प्रसाद। और इसके जो सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह तमंग। सो क्वेश्चन क्या था कि नागालैंड की कैपिटल क्या है? एजावल उसकी कैपिटल है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मिजोरम की कैपिटल एजावल है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। और सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। और मेघालय के गवर्नर का नाम सत्यपाल मलिक है। मिजोरम के गवर्नर का नाम कंभमपति हरिबाबू है। नागालैंड के गवर्नर का नाम जगदीश मुखी है। और सिक्किम के गवर्नर का नाम गंगा प्रसाद है। जो चीफ मिनिस्टर है नागालैंड के उनका नाम है नेफ्यू रियो। और मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है कॉनराड संगमा। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का नाम है जोरम थंगा। और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रेम सिंह तमंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंग्लैंड एंड द वेल्स क्रिकेट बोर्ड सिचुएटेड। सो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? ऑप्शन हमारे पास बर्मिंघम, ग्लासगो, लंदन एंड मैनचेस्टर। और इसका जो सही जवाब है दैट इज लंदन। हेडक्वार्टर्स जो है वो लंदन में है, यूके में है। इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि अभी जो है इनके चेयरमैन कौन है? उनका नाम है एयान वॉटमोर, इज द चेयरमैन ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। और इसके जो सीईओ है उनका नाम है टॉम हैरिसन इज द सीईओ ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट हैज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड एट। ऑप्शंस चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड स्विट्जरलैंड। और इसका जो सही जवाब है ये बेजल में है। बेजल यानी कि स्विट्जरलैंड में है। 1930 में इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है वो बनाया गया था। इस टाइम पे इसके जो जनरल मैनेजर है उनका नाम है अगस्टिन कार्स्टेंस जो है वो उनके जनरल मैनेजर का नाम है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान। ऑप्शंस है सरिसा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क या पन्ना नेशनल पार्क। तो इसमें से सरिस्का जो है वो राजस्थान में है। सो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। पर ये जो तीन अदर ऑप्शंस दिए ना, कान्हा, पेंच और पन्ना, ये सब मध्य प्रदेश में है। ये भी आप जान लीजिए कि ये सारे नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है? ऑप्शंस है उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो बहुत ही आसान है, पूरी जिले में ये सूर्य मंदिर स्थित है। और ऑप्शन है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन,
चिल्टनहम फेस्टिवल इज अ हंट रेसिंग फेस्टिवल पॉपुलरली सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन इंडिया, यूके, यूएसए या रशिया। तो यूनाइटेड किंगडम में चिल्टनहम फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। ये एक तरह का नेशनल हंट रेसिंग का जो कैलेंडर है ना यूनाइटेड किंगडम का, उसमें ये वाला फेस्टिवल जो है वो मनाया। प्राइस मनी भी इसमें होती है, 4 दिन लगातार जो है वो ये फेस्टिवल चलता रहता है, जिसमें चेल्टेनहम गोल्ड कप, चैंपियन हर्डल, क्वीन मदर चैंपियन चेस, स्टीयर्स हर्डल, इस तरह की जो है वो रेसेस ऑर्गेनाइज की जा। अगला क्वेश्चन है, द रतन महल स्लॉथ बियर सेंचुरी इज इन विच इंडियन स्टेट? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब या गुजरात? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुजरात। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है? ऑप्शन है बिस्वा भूषण हरिचंदन, पागु चौहान, विजुभाई वाला या आचार्य देवव्रत। तो इसका जो सही जवाब है, वाजुभाई वाला जो है वो कर्नाटका के अभी इस टाइम पे गवर्नर है, और इनके जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है बी एस येदियुरप्पा। न्यूज में हम उनको बहुत ही एक्टिव देखते हैं। येदियुरप्पा जी जो है वो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका की, और कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। So, इसी के साथ बाकी नाम भी जान लेते हैं। जैसे उन्होंने पहले ऑप्शन में कहा है बिस्वा भूषण हरिचंदन, तो ये गवर्नर ही है, पर ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। कहाँ के गवर्नर है? आंध्र प्रदेश। एक उन्होंने बोला है पागु चौहान, और पागु चौहान जी जो है वो बिहार के गवर्नर है। आचार्य देवव्रत जो है वो गुजरात के गवर्नर है। तो चारों ही ऑप्शन जो है वो हमें गवर्नर्स के गिवन थे। अगला क्वेश्चन, शी जिनपिंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑप्शंस नॉर्थ कोरिया, नेपाल, चाइना या श्रीलंका। तो कोविड फैलाने वाला जो कंट्री है चाइना, जिसकी करेंसी है रेनमिनबी, उसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग, और कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। सो इसी के साथ बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया का तो आप सब जानते हैं, किम जोंग उन जी जो है वो इसके प्रेसिडेंट है। नेपाल के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी जी जो है वो प्रेसिडेंट है नेपाल के। और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है गोटाबाया राजापाक्सा। गोटाबाया राजापाक्सा। अगला क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ ब्लैक रिवोल्यूशन इज? ब्लैक रिवोल्यूशन का क्या पर्पस है? ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से रिलेटेड जो रिवोल्यूशन है उसका नाम है ब्लैक रिवोल्यूशन। अब ये जो कॉटन रिवोल्यूशन है ना, कॉटन प्रोडक्शन को लेके जो रिवोल्यूशन है, दैट इज सिल्वर रिवोल्यूशन। इसको सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कहते हैं। जूट प्रोडक्शन को लेके जो है ना, जूट को हम गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन कहते हैं, और ऑयल सीड्स को जो हम कहते हैं वो येलो रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ऑयल थोड़ा येलो कलर का होता है ना, तो ऑयल जो है वो येलो रेवोल्यूशन में होता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल? ऑप्शंस है रियुवन रिवलिन, बेंजामिन नेतन्याहू, मुस्तफा सेंतोप और रिसेप तैयब अर्दोगन। इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रियुवन रिवलिन जो है वो इजराइल के प्रेसिडेंट है। इसी के साथ जान लेते हैं कि इजराइल की जो कैपिटल है ना उसका नाम है जेरूसलेम। ठीक है, करेंसी है इजराइली शेकल। इजराइली शेकल जो है वो करेंसी है इजराइल की, और प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ये प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इसी के साथ एक ऑप्शन गिवन है मुस्तफा सेंतोप, ये जो है ये टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट है। टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट है ये। और रिसेप तैयब अर्दोगन जो है वो टर्की के प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। अगला क्वेश्चन, आपका बैंक आपका द्वार इज द टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पेमेंट बैंक? सो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो टैगलाइन है वो है आपका बैंक आपका द्वार, जिसके हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में है, और सीईओ जो है उनका नाम है वेंकटराम। अब इसी के साथ जान लेते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक जो है उसकी टैगलाइन क्या है। सो फिनो पेमेंट बैंक जो है उसकी टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। कदर आपकी मेहनत की। जियो पेमेंट बैंक जो है इनकी दो इनकी टैगलाइन है योर एवरीडे बैंक फॉर ऑल पेमेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स। योर एवरीडे बैंक, इसको ये शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फॉर ऑल ऑफ योर पेमेंट्स, पूरी जो है उसमें ये भी इंक्लूड करते हैं
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स, अदरवाइज जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं योर एवरीडे बैंक कहा जाता है। एयरटेल पेमेंट बैंक की जो टैगलाइन है उनका वो है, बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स, इंडियाज फर्स्ट बैंक पेमेंट बैंक। बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स। अगला क्वेश्चन, जॉग फॉल्स इज बेस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य में जॉग फॉल्स जो है वो लोकेटेड है। ये सागर तालुक नाम की जगह पे है जो कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में एक सागर तालुक नाम की जगह है, वहां पे ये जो है जॉग फॉल्स है, और ये जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है ये कर्नाटका का है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इज एन ऑटोनॉमस बॉडी एंड द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है। सो ऑप्शंस है पुणे, न्यू दिल्ली, कोलकाता या बेंगलुरु। सो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पुणे में इसके जो है वो हेडक्वार्टर्स है। CSIR के जो फाउंडर्स है ना उनका नाम भी आज जान लेते हैं, एरकोट रामास्वामी। एरकोट रामास्वामी जो है वो CSIR के फाउंडर थे, और उन्हीं के साथ इनके जो को फाउंडर है उनका नाम है शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। 26 सितंबर 1942 में ये संस्था जो है वो बनाई गई थी, और इसके जो हेड होते हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी इस टाइप पे इसके हेड है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डैम्स इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा डैम है। सरदार सरोवर डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। इसी के साथ बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सॉरी, हाँ जी, हिमाचल प्रदेश में जो डैम है इसका जो सही जवाब है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में है, इट इज इन गुजरात। नागार्जुना सागर डैम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। और हीराकुंड डैम जो है इट इज इन उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज हेल्ड ऑन विच डे एवरी ईयर, 10 जनवरी, 30 मार्च, 21 फरवरी या फिर 29 दिसंबर। सो 21 फरवरी को हर दिन हर साल इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। 2021 में ये सेलिब्रेट हो चुका है, तो इसका जो थीम था वो था फॉस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दीज स्टेट्स, इनमें से कौन सी राज्यों में जो है वो राजाजी पार्क जो है वो सिचुएटेड है। राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। So, इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में जो है वो राजाजी नेशनल पार्क सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन, एमी अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड, किस फील्ड में एमी अवार्ड जो है वो नवाजा जाता है। ऑप्शंस है हमारे पास स्पोर्ट्स, म्यूजिक, जर्नलिज्म या फिर टेलीविजन। तो एमी अवार्ड जो है ये एक अमेरिकन अवार्ड है, और ये टेलीविजन प्रोग्रामिंग में बेस्ट एक्सीलेंस को जो है वो दिया जाता है। पिनरई विजयन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, तमिलनाडु, गोवा, केरला या फिर कर्नाटका। सो जहां के आरिफ मोहम्मद खान जी गवर्नर हैं, आरिफ मोहम्मद खान जी जहां के गवर्नर हैं वहां के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन जी, यानी कि सही जवाब जो है दैट इज केरला। सो इसी के साथ बाकी भी जान लेते हैं कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, एम के स्टालिन। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है प्रमोद सावंत, और कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है BS येदियुरप्पा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी नेम ऑफ द टर्की, टर्की की जो ऑफिशियल करेंसी नेम है उसका क्या नाम है। इसका सही जवाब है लीरा। लीरा इज द ऑफिशियल करेंसी नेम ऑफ द टर्की, और टर्की की जो कैपिटल है उसका नाम है अंकारा। जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रिसेप तैयब अर्डोगन, और स्पीकर है मुस्तफा संतो। मुस्तफा संतो,
सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक जीके सेशन। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।